हेलो दोस्तों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों हम बात करने वाले हैं अक्षय कुमार टाइगर श्रॉफ स्टार मूवी बड़े मियां छोटे मियां, जो कि अप्रैल के महीने में ईद पर रिलीज होने वाली है। दोस्तों अक्षय कुमार और टाइगर श्रॉफ के लिए ये मूवी एक कमबैक मूवी साबित हो सकती है, क्योंकि दोनों हीरो को एक अदद सुपरहिट मूवी की जरूरत है। अक्षय कुमार ने पिछले 4 सालों में कोई सोलो सुपरहिट मूवी नहीं दी है, उनकी लास्ट सुपरहिट मूवी थी गुड न्यूज। वहीं अगर हम टाइगर श्रॉफ की बात करें तो उनकी लास्ट सुपरहिट मूवी थी वॉर, जो कि 2019 में ऋतिक रोशन के साथ रिलीज हुई थी। मूवी की हम पूरी स्टार कास्ट की बात करें, अक्षय कुमार के साथ सोनाक्षी सिन्हा और टाइगर श्रॉफ के साथ मानुषी चिल्लर नजर आने वाली है। इस मूवी को जो डायरेक्ट किया है वो किया अली अब्बास जाफर ने, जो इससे पहले अली अब्बास जाफर सलमान खान के साथ कई बेहतरीन मूवी दे चुके हैं, जैसे कि सुल्तान, टाइगर जिंदा है और भारत। साथ साथ दोस्तों इस मूवी में एक और खास बात जुड़ती है, वो जुड़ती है इस मूवी का बजट। इस मूवी का जो बजट है वो काफी भारी भरकम है, लगभग 250 करोड़ का होने वाला है। वैसे अक्षय कुमार इतने बड़े बजट की मूवी कम ही करते हैं। अक्षय कुमार और टाइगर श्रॉफ इस मूवी से एक कमबैक करेंगे और लोगों को ये मूवी काफी पसंद आएगी। साथ साथ में दोस्तों इस मूवी का एक टाइटल ट्रैक आज रिलीज होने वाला है। ये टाइटल ट्रैक कैसा लगता है प्लीज कमेंट करके बताइए। साथ साथ दोस्तों इस मूवी का जो एक टीजर रिलीज किया गया था वो लगभग 40 मिलियन व्यूज के करीब पहुंच चुका है। इसका मतलब ये है कि लोगों को अक्षय कुमार और टाइगर श्रॉफ दोनों जो एक्शन हीरो हैं पसंद आ रहे हैं। साथ साथ में दोस्तों एक और खास बात ये भी जुड़ती है कि ये मूवी ईद के मौके पर रिलीज हो रही है, तो वैसे अक्सर ईद पर सलमान खान अपनी मूवी लेके आते हैं, लेकिन इस बार अक्षय कुमार और टाइगर श्रॉफ एक एक्शन पैक लेके आ रहे हैं, तो लोगों को ये मूवी कितनी पसंद आने वाली है तो प्लीज कमेंट करके बताइए। मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय जय भारत।